मूवी शुरू होती है, कबीले से लोग पहाड़ों पर आ करते थे और हाथियों का शिकार किया करते थे। ये जंगली हाथी पहाड़ों पर काफी कमाया करते थे और सम टाइम ये बिल्कुल भी नहीं आया करते थे, जिस वजह से इन कबीलों वालों को भूखा मरना पड़ता था। इस बात को लेकर ये सभी कबीले वाले काफी दुखी हुआ करते थे। वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है जिसे ये सभी लोग माँ करते हैं। माँ के पास ये पावर थी कि वह सोल से बात किया करती थी। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है, उस लड़की का नाम एवरेस्ट होता है और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डिले होता है। डिले उस लड़की को काफी पसंद करने लग गया था। डेली के फादर के पास एक वाइट रॉड भी था, क्योंकि जब वो लोग शिकार पर जाया करते थे तो सबसे पहले वही शिकार किया करते थे। डेली के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगे और ना ही रीजन बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया। वो अपना वाइट रॉड अपने फ्रेंड को देकर वहां से चले जाते हैं। डेली के फादर के जाने के बाद सभी लोग डेली को काफी परेशान करने लगे थे कि तुम्हारे फादर यहाँ से भाग गए, क्योंकि सब समझ रहे थे कि उसके फादर यहाँ से भाग गए। मगर सच्चाई कुछ और ही थी जो कि उनके फ्रेंड को मालूम थी। उनका फ्रेंड और डिले खुद को अकेला महसूस करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है। उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। एवरेट और डिले अब काफी बड़े हो चुके हैं और एक बार फिर वो जंगली हाथियों के इलाके में आते हैं और एक फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले हाथियों का शिकार करेगा उसकी शादी एवरिन से करा दी जाएगी और उसे व्हाइट रॉड भी मिलेगा और तो और उसे कबीले का लीडर भी बना दिया जाएगा। एवरीन डिले से कहती है कि हम यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। डिले कहता है मैं नहीं भागूंगा, जैसे मेरे फादर भाग गए। तुम देखना, मैं जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। तब कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। एक बड़ी हाथी को वो लोग जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन वो हाथी रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन स्टील जाल उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। सारी कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी तेजी से भाग रहा होता है और सबको जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डीले का हाथी अब तक जाल में अटका हुआ था। हाथी डीले को घसीटता हुआ पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है। वहां पर लाकर डीले के ऊपर वह अटैक कर देता है, लेकिन डीले उस हाथी को रॉड से मारता है, इससे उस हाथी को कुछ नहीं होता और वो फिर एक बार डीले के ऊपर अटैक कर देता है। फिर डीले रॉड से उस हाथी को मारता है, इस बार वो हाथी मर जाता है। इतनी देर में सारे कबीले वाले वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डीले ने अकेले ही उस हाथी को मार डाला है। ये देखकर वो सब काफी खुश होते हैं। डीले को व्हाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के अनुसार एवरीन को उसे दे दिया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि इन दोनों की शादी होगी। लेकिन डीले इस बात को सोचकर काफी दुखी होता है कि सब सोच रहे थे कि डीले ने उस जाल को नहीं छोड़ा, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि डीले ने भी उस जाल को छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा है, इस वजह से वह उस व्हाइट रॉड को रिटर्न कर देता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।